रामनगर राजफील्ड की इतनी सुंदर सजावट जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की स्वागत के लिए है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर की पावन धरती पर 31 अक्टूबर को जगत गुरु राम भद्राचार्य आ रहे हैं। रामनगर नगर परिषद के इन कर्मियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इनके लगन और मेहनत के बिना ये कार्य सफल नहीं हो पाता। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ स्वागत मार्ग। इसी मार्ग से जगत गुरु राम भद्राचार्य जी स्टेज पर जाएंगे। आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से स्वागत मार्ग को बनाया सजाया गया है। इसी मार्ग से वो आएंगे और स्टेज पर उनकी स्वागत की जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं किसने अच्छे तरीके से लोगों के बैठने की भी व्यवस्था की जा रही है। लगभग 50 से 60 हज़ार तक लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं और धूप में उनको तकलीफ भी ना हो और कोई ऐसी मतलब धक्का मुक्की वाली सिचुएशन ना बने, उसके लिए बीच में बैरियर का भी व्यवस्था किया गया है। हर समय रामनगर प्रशासन यहाँ आ रही है, वो भी अपने तरीके से निरीक्षण कर रही है कि कोई भी ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिससे इतनी सुंदर और अच्छी होने वाली जो भी प्रोग्राम है वो अच्छे से हो। आप देख सकते हैं पूरे तरीके से राजफील्ड को सजा दिया गया है और इसके अंदर जनता बैठेगी और जगत गुरु राम भद्राचार्य के द्वारा दी गई प्रवचन को सुनेंगे। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ स्टेज पर। बहुत ही सुंदर तरीके से स्टेज को सजाया गया है। श्री राम की तस्वीर के साथ राम मंदिर का भी चित्रण है और साथ ही साथ जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का भी चित्रण किया गया है। स्टेज अभी सजाया जा रहा है, बहुत सारा काम यहाँ बचा हुआ है। जो भी कर्मचारी हैं वो काम में लगे हुए हैं और ये स्टेज के सामने का व्यू आप देख सकते हैं। पूरे बैरियर्स भी लगे हुए हैं कि कोई धक्का मुक्की टाइप का जो होता है जहाँ भीड़ क्राउड ज़्यादा होती है तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए पहले से ही सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दी गई है। और ये जो भी आपको यहाँ कुर्सी पे बैठे लोग दिख रहे हैं ये सभी लोग समिति के सदस्य हैं जो कि अपना पूरा 100% यहाँ दे रहे हैं, इस जग को सफल बनाने में अपना पूरा कर्तव्य कर रहे हैं। आप फिर से देख सकते हैं ये स्वागत मार्ग और स्वागत मार्ग से मैंने एक व्यू लिया है जो कि पूरे फील्ड का लगभग व्यू आ रहा है। आप देख सकते हैं कोई भी एक ऐसा अंश नहीं दिख रहा होगा आपका राजफील्ड का जो कि आधा अधूरा है।